इमेजिन कीजिए कि एक तक पूल का सीरियल चल रहा है या स्टार प्लस जी टीवी का कोई सीरियल चल रहा है और हम उठ रहे हैं सोकर और बिल्कुल फुल मेकअप में, हैवी साड़ी में और बहुत सारी ज्वेलरी में। एवरीवन, दिस इज भावना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि हम घर पे रहते हुए भी कैसे अट्रैक्टिव दिख सकते हैं। हाउसवाइफ जो है वो सबका ध्यान रखती है, पूरे घर का ध्यान रखती है, बट अपने आप को हमेशा इग्नोर कर देती हैं। तो वो इग्नोरेंस जो होती है वो कुछ टाइम के बाद जाकर और अपने आप में ही सफोकेट होने लग जाती हैं हाउसवाइफ। तो किस तरह से हम प्रेजेंटेबल दिख सकते हैं, किस तरह से अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। काफी अच्छे पॉइंट्स हैं, तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बने रहिए सेल्फ स्टेटमेंट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, बात ये है कि हम लोग एकता कपूर के सीरियल्स की कोई हीरोइंस नहीं है। हम सारा टाइम ऐसे हैवी हैवी मेकअप करके, हैवी साड़ी पहनकर या फिर बहुत सारी ज्वेलरी पहनकर नहीं घूम सकते, बट हम प्रेजेंटेबल तो लग सकते हैं ना। और जरूरी नहीं है प्रेजेंटेबल लगने के लिए आप बहुत सारा मेकअप करें, बहुत हैवी साड़ी पहन के बैठे घर में या बहुत सारी ज्वेलरी पहन के बैठे। और आपकी बिंदी इतनी लंबी होनी चाहिए, आपकी आईब्रोज ऐसी होनी चाहिए, आपकी आई शेडो इतनी ज्यादा हाईलाइटर के साथ बहुत ज्यादा ब्लैक होनी चाहिए या कोई और कलर की होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेजेंटेबल हमें लगना चाहिए। अगर हम हाउसवाइफ हैं तो हम सबका ध्यान रखती है घर में, क्या हम अपना ध्यान नहीं रख सकती हैं? बिल्कुल रख सकती हैं फ्रेंड्स। ये कुछ पॉइंट्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, इनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा ग्रूम्ड और बहुत ही ज्यादा प्रेजेंटेबल लगेंगे घर में भी रहते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो मेरा ये पॉइंट है कि आप बिल्कुल भी बहन जी मत समझिए अपने आप को, बहन जी की तरह मत रहिए। कई बार क्या होता है कि हम शादी के बाद अपनी सारी जो अपनी कॉलेज लाइफ होती है या कोई भी, हम बहुत छोटी जीन्स या तो जीन्स पहनते थे या स्कर्ट्स पहनते थे, टॉप्स, क्रॉप टॉप्स, ये वो सब पहनते थे हम शादी से पहले, बट शादी के बाद हम सब छोड़ देते हैं। और मैं ये नहीं बोल रही कि आप वही पहनना स्टार्ट कीजिए, बट बहन जी की तरह ना रहें। इसका मतलब ये है कि हम पूरी फुली कवर्ड भी रहें, बट कुछ इस तरह के हम क्लोथिंग आइटम पहन सकते हैं घर में जो हमें बोरिंग लाइफ की तरह तरफ ना ढकेले। अगर हम साड़ीज पहनते हैं तो हल्की फुल्की प्रिंट्स की साड़ीज बहुत अच्छी लगती हैं। अगर हम साड़ीज पहनते हैं तो प्रिंटेड साड़ीज पहने, उनके साथ कंट्रास्ट में ब्लाउज पहनिए। आप हैवी वर्क वाली साड़ीज मत पहनिए घर में, क्योंकि ये एक तो काम करने में अनकंफर्टेबल होंगी और दूसरी बात बहुत ज्यादा हैवी रहती हैं और आपको एजेड दिखाती हैं, आपकी एज से भी ज्यादा दिखाएंगी। तो हमेशा कोशिश कीजिए हल्की फुल्की शिफॉन की या जॉर्जेट की प्रिंटेड साड़ीज पे आप इन्वेस्ट करें। कंट्रास्ट का ब्लाउज लीजिए सिंपल प्लेन, और वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है घर में अगर आप ले पहन रहे हैं तो। मैं पिक्चर्स इंसर्ट करती जाऊंगी। और दूसरी बात, अगर आप जैसे कि अगर आप पहन रहे हैं कोई भी हल्की फुल्की साड़ी पहन रहे हैं, हल्का सा उसके साथ मंगलसूत्र पहन सकते हैं आप, उसके साथ हल्की हल्की ज्वेलरी पहन सकते हैं, इयररिंग्स बहुत लाइट वेट पहन सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके घर में एकदम से कोई भी आएगा तो आप उसको दरवाजा खोलने से पहले, ऐसा नहीं होता ना कि हम लिपस्टिक लगा लें जल्दी से, बाल बना लें तब हम दरवाजा खोलें कोई भी, क्योंकि मेहमान कभी भी आ जाते हैं। तो अगर हम ऐसे ड्रेसअप होके रहेंगे तो हमें इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई भी आएगा हम उसका मुस्कुराते हुए आराम से स्वागत कर सकते हैं। तो आप अगर साड़ीज पहनते हैं, हल्की फुल्की साड़ीज पहनिए। प्रिंटेड साड़ीज की तरफ मैं ज्यादा आपको दूंगी राय कि आप वो पहनिए, क्योंकि प्रिंटेड साड़ीज एक तो धोने में बहुत आसान होती है, पहनने में बहुत आसान होती है, और दूसरी बात उनको आप धोइए और पहनिए, कुछ इस तरह का कुछ होता है। तो आप वही इस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कुछ प्रिंटेड साड़ीज में। कई मैंने लेडीज देखी हैं जो दो जोड़ी कपड़े या तीन जोड़ी कपड़े होते हैं उन्होंने निकाले होते हैं जैसे डेली में, और रोज वही धो धो के वही पहन पहन के वही वही तीन जोड़ी में ही उनका पता नहीं 3 साल 4 साल निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल के टाइम में किसी के पास भी कपड़ों की कमी नहीं होती है, तो फ्रेंड्स आप घर में भी अच्छे दिखिए। कोशिश कीजिए कि ये एक रूटीन जो है वो 3 दिन का ना हो, आप 7-8 साड़ीज निकालिए और वो हर मतलब हफ्ते के एक दिन में पहनिए। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा हफ्ता भी अलग अलग साड़ीज पहनकर आपका पता है, हम जब कपड़े अच्छे पहनते हैं ना तो हमारे अंदर से मन एकदम से खुश हो जाता है, और हमारे हस्बैंड्स को, हमारे आसपास में रहने वाले लोगों को भी हम अच्छे लगते हैं, हम रेगुलर बोरिंग नहीं लगते, हम अच्छे लगते हैं, लाइवली लगते हैं।
तो बहन जी बन के मत रहिए। अगर आप सलवार सूट पहनते हैं, आपके घर में सलवार सूट अलाउड है, सलवार सूट पहनते हैं, तो दुपट्टा इस तरह से ना लीजिए कि वो एकदम से आंटी टाइप का लगे। दुपट्टे को या तो आप बिल्कुल एकदम गले में ऐसे करके पीछे को करके ले सकते हैं, या तो फिर अगर आप ले रहे हैं तो एक साइड से ऊपर रखिए, एक साइड से एकदम खुला छोड़ दीजिए। तो इससे क्या होगा, बहुत अच्छा गेटअप आता है, पूरे सूट का लुक बहुत अच्छा आता है। और सूट ऐसा नहीं होना चाहिए कि ढीला ढीला पहनो, ऐसा नहीं, एकदम फिटिंग वाला बढ़िया फिटिंग हो, जिसमें ना ज्यादा टाइट हो ना ज्यादा ढीला हो, तो वो पहनिए। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, सूट्स भी बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं। अगर आप प्लाजो पहनते हैं तो इस बार पैंट्स ट्राई कीजिए, पैंट्स बहुत ज्यादा फैशन में है, आप पैंट्स पहन सकते हैं कुर्तीज के नीचे, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और समर में बहुत कंफर्टेबल भी रहती है। तो आप प्लाजो या फिर आप पैंट्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो पहन सकते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि एक रेगुलर जो आपका चल रहा है उसे थोड़ा सा अलग रखिए। आप 3-4 जोड़ी मत निकालिए पूरे महीने, पूरे साल के लिए 3-4 जोड़ी बस। मैंने बहुत लोग देखे हैं, अपने घर में भी देखे हैं, इवन मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट मैंने अपने घर में भी देखे हैं कि 3 जोड़ी हैं उनके पास कपड़े, वो वही धोती हैं, वही पहनती हैं, वही। तो उनकी जो लाइफ होती है ना, पता है, एक टाइप से बोरिंग हो जाती है। तो वो हम छोड़कर थोड़ा सा, अगर आपको यही रूटीन बनाना है, भाई यही कपड़े खराब हो बाकी के सारे नए रहे, तो आजकल पता क्या है, हर दूसरे दिन नया फैशन आ जाता है। तो आपका जो ये कपड़े हैं, अगर यूज कर लिए आपने अभी फैशन फैशन में पहन लिए तो पहन लिए, अदरवाइज आपको आउट ऑफ फैशन करने के बाद पहनना पड़ेगा। तो ये भी कुछ एक फंडा होता है। तो आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए ताकि आपको भी आपका मन खुश रहेगा उसमें। ये तो हमारा बाहरी हो गया कि हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, बट फ्रेंड्स अगर आप अपनी मेंटल पीस की तरफ ध्यान देंगे तो योगा या फिर एक्सरसाइज जरूर कीजिए। योगा मैं जरूर करती हूँ, ओम का उच्चारण करती हूँ 10-15 मिनट बैठ के सुबह। तो क्या होता है, हमारी जो बॉडी में से नेगेटिविटी होती है वो निकल जाती है, हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मेरी मम्मा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तो इवन मैं रात को सो भी नहीं पाती थी, मैं मम्मी से बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ, तो मैं सो भी नहीं पाती थी, रात को उठ जाती थी, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि कहीं मेरी मम्मा को कुछ ना हो जाए। बट भगवान का शुक्र है कि मम्मा ठीक हैं, अभी उनका ऑपरेशन एक बाकी है, बट अभी वो खतरे से बाहर है, ठीक है, मम्मी मेरी घर पे आ गई हैं। आप सबकी प्रेयर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। तो मतलब मेरे कहने का ये मतलब है, अगर हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं या भगवान का नाम 5-10 मिनट लेते हैं, भगवान का, अल्लाह का, गॉड का, वाहेगुरु का, आप अपने अपने गॉड का नाम लीजिए, अपने भगवान का नाम लीजिए, तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी होती है, हमारे अंदर जो एक जो होता है ना निराशा सी होती है, वो उसमें बहुत अच्छा, बहुत हमें पीस मिलता है, मेंटल पीस मिलता है। अगर हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा मेंटल स्ट्रेस का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, और जो हमारी हमारे अंदर पॉजिटिविटी होती है, चीजों को देखने का जो हमारा नजरिया होता है वो भी पॉजिटिव वे में जाता है। तो जरूरी है कि आप योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। आपको एरोबिक्स पसंद है, आपको जुम्बा पसंद है, आपको जो भी पसंद है, आपको अगर आपको सॉन्ग्स लगाकर सुबह डांस करने में अच्छा लगता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में एक तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, एक आपके अंदर से जो स्ट्रेस होगा, जो टेंशन होगी वो खत्म हो जाएगी। अगर आप स्ट्रेस फ्री होंगे तभी आप हस्बैंड को भी स्ट्रेस फ्री रख पाएंगे, अपने घर के माहौल को आप स्ट्रेस फ्री रख पाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप अपने घर का स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो थर्ड पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमेशा हमें कपड़े जब भी पहनने चाहिए, तो चाहे मैं अंडरगार्मेंट्स की बात करूं या ऊपर पहनने वाले कपड़ों की बात करूं, सूट पहन रहे हैं आप ढीले ढीले ट्राउजर पहन के टी शर्ट पहन रहे हैं या शर्ट पहन रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं आप घर में, तो हमेशा अपनी फिटिंग के कपड़े पहनिए। ये नहीं है कि हम घर में रहते हैं तो हम कुछ भी पहन के घूम लेते हैं, ऐसा मत कीजिए फ्रेंड्स। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर कभी भी कोई भी आ जाता है, तो अगर हमारे कपड़े ऐसे टेढ़े मेढ़े से होते हैं तो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है उसके ऊपर, और हमारे घर का भी, पता क्या होता है, एक अगर एक औरत अच्छे कपड़े पहनकर जा रही है बाहर, तो पता क्या, उसके घर की इज्जत बढ़ती है।
मेरी मम्मा ये बोलती है कि अगर आप अच्छे कपड़े पहन के, अगर आप अच्छे दिख के, अच्छे प्रेजेंटेबल लग के अगर आप बाहर जा रहे हैं, ये घर की इज्जत होती है कि ये अच्छे घर से बिलोंग करती है, ये किसी ऐसे वैसे घर से बिलोंग नहीं करती है, तो ये दूसरे के ऊपर इंप्रेशन जाता है। तो हमेशा हमें ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए जो हमारे हैं, हमसे बिलोंग करते हैं। अगर आप टी शर्ट पहन रहे हैं तो अपने साइज की टी शर्ट लीजिए, ज्यादा ढीली नहीं, ज्यादा टाइट नहीं, अपने साइज की टी शर्ट लीजिए। अगर आप लोअर पहन रहे हैं तो लोअर भी अपने साइज का लीजिए। ये नहीं कि हस्बैंड का कुछ छोटा हो गया, कुछ पुराना हो गया तो वो पहन लिया, वो आप उनको ही पहनने को दीजिए घर में। रात को पहन सकते हैं, शाम को ऑफिस से आने के बाद पहन सकते हैं, तो ऐसा वो अपने कपड़ों के साथ कर सकते हैं। क्यों आप अपने आप को एक कबाड़ी की दुकान बना रहे हैं, जो मतलब किसी का भी उतरा फुतरा आप पहन लो, तो ऐसा मत कीजिए। और एक बार हम नहाने के बाद मैं आपको बताऊंगी, अगर आप नहाने के बाद जो कपड़े पहनते हैं तो ज्यादातर यही होता है कि आप पूरा दिन उसी में ही काटते हैं, बदलने में बड़ा आलस आता है। तो आप नहाने के बाद ही कोशिश कीजिए कि आप अपना साड़ी या सूट, जो भी आप पहनना चाहते हैं, जो भी आपके घर में अलाउड है, वो आप पहने और अच्छे लगे, पूरा दिन भर उसमें आप रहे और देखने वाला भी आपको खुश हो। तो फ्रेंड्स, हमेशा परफेक्ट फिटिंग के कपड़े पहनिए, अपने कपड़े पहनिए। ये नहीं कि हस्बैंड का कुछ भी उतरा हुआ है, कोई वो नहीं पहन रहे, रिजेक्टेड माल है, तो वो आप पहन के घूम रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। अपने कपड़े पहनिए, अदरवाइज आप उनके कपड़े ही पुराने करके फाड़ने में लगे रहेंगे, आपके कपड़े आउट ऑफ फैशन हो जाएंगे, अलमारी में पड़े पड़े सड़ जाएंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अपने कपड़े पहनिए और परफेक्ट फिटिंग के पहनिए। अंडरगार्मेंट्स तो ऑब्वियसली हम सब लोग अपने ही पहनते हैं, बट वो भी बिल्कुल फिटिंग और के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत टाइट या बहुत लूज, ऐसा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा लूज होंगे या टाइट होंगे तो हमारी बॉडी अनकंफर्टेबल रहती है और हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे पूरा दिन उन अंडरगार्मेंट्स में। तो हमेशा फिटिंग के, अपने साइज के ही पहनिए कपड़े, बाहर के भी और अंदर के भी। तो ये थर्ड पॉइंट था फ्रेंड्स, आप हमेशा अंडरगार्मेंट्स और अपने कपड़े हमेशा फिटिंग वाले पहनिए, अपने जो आपके लिए बने हैं वो वाले पहनिए। पता क्या होता है, हम हाउस वाइफ से ना, जब पहले पहले तो अपनी फिगर का, अपनी स्किन का, अपने बालों का बहुत ध्यान रखती हैं, बट शादी के बाद, जैसे कि प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, हमारा पेट थोड़ा सा लटक जाता है। तो अगर आप कहीं भी जाती हैं तो अपनी इच्छाओं को मारने की जरूरत नहीं है। आप बाहर जाती हैं तो टमी टकर का आप बेधड़क यूज कर सकती हैं। ये तो मैं अभी बनी हूँ यूट्यूबर, तो मैं टमी टकर पहनती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है इसमें बताने में, क्योंकि मेरा मम्मी टमी है। मम्मी टमी का मतलब ये होता है कि प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा बहुत टमी हो ही जाता है, निकल ही जाता है। तो वो आप या तो बहुत स्वियर एक्सरसाइज करते हैं तो अंदर जाता है, अदरवाइज वो हमारे जैसे खाते पीते वाले बंदों का ना, जो फास्टिंग नहीं कर सकते, तो हमारा लटका ही रह जाता है कितना भी काम कर ले हम। तो इसको अगर कंसील करने के लिए, तो आपको ज्यादा टाइट भी नहीं, अपनी फिटिंग का टमी टक्कर आपको लेना चाहिए। और टमी टक्कर आप पहनते हैं, अगर बाहर पहन के जाते हैं, सूट के अंदर भी बहुत अच्छी परफेक्ट सी फिटिंग आती है। मैं ये नहीं कहती डेली बेसिस पे पहनिए, बट आप कहीं पर पार्टीज में जा रही हैं, कोई ड्रेस पहन रही है, कोई कहीं इवेंट पे जा रही हैं, हस्बैंड के साथ कहीं पर घूमने के लिए जा रही हैं, तो आप टमी टक्कर का जरूर इस्तेमाल कीजिए। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, एकदम से फिगर फ्लैटरिंग सी लगेगी और रेगुलर से थोड़ा सा नयापन आएगा। आप अपने पुराने फिगर को दोबारा महसूस कर पाएंगी, पुराने कपड़े फिर से पहन पाएंगी। तो टमी टकर जरूर, एक अच्छे टमी टकर में जरूर इन्वेस्ट कीजिए। ये हर हाउसवाइफ की एक होती ना नीड, बेसिक नीड है ये, आप जरूर टमी टकर में इन्वेस्ट कीजिए। मेरे पास जो है, मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का निकला है मेरा टामी टक्कर। अभी मुझे मिल नहीं रहा है, कहीं दब गया कपड़ों में, तो मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। अदरवाइज ऑनलाइन या फिर आप किसी भी हॉजरी की शॉप पे, जहां से आप अंडरगार्मेंट्स वगैरह लेते हैं, वहां से आराम से मिल जाता है टामी टक्कर, आप लीजिए। और हो सके तो जो निक्कर और जैसे शॉर्ट्स होते हैं ना, शॉर्ट्स और ऊपर तक का आपके ब्रा तक का आएगा वो, तो वो वाला एक जॉइंट लीजिए। इससे क्या होगा, आपको दो दो चार चार पहनने की जरूरत नहीं होगी, आपके हिप्स का, आपकी आपकी साइड का, आपकी सारे फ्लैप्स छुप जाएंगे, टमी का, बैक का, सारे फ्लैप्स छुप जाएंगे, सारे लव हैंडल्स इससे कंसील हो जाते हैं और फिगर बहुत अच्छी आती है। तो पूरा जो शॉर्ट्स से शॉर्ट्स का होता है सेट, शॉर्ट्स और अपर का, वो वाला पूरा लीजिए।
या तो आप अलग अलग भी पहन सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ जो एक ही होता है ना पूरा, नीचे से उसके अंदर पैर डाल के बस एकदम से खींच लो, और वो यहाँ तक का होता है, हमारे बस्ट एरिया तक का होता है, तो यहाँ तक आ जाता है, बहुत अच्छी फिगर आती है उसमें। आप कोई भी ड्रेस पहन सकते हैं कॉन्फिडेंस से और अच्छे दिख सकते हैं फिर दोबारा से। फ्रेंड्स मैंने बताया, आप अब जैसे कि एक ढर्रे पे चल रहे थे हम, या हम साड़ीज पहन रहे तो साड़ी 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 पहनते हुए जा रहे हैं, अगर आप साड़ी पहन रहे हैं तो सूट्स ट्राई कीजिए। बहुत नए फैशन के सूट्स आ रहे हैं, शरारा, एंकल लेंथ पैंट्स के साथ, और गाउन कुर्तीज, फ्लोर लेंथ कुर्तीज, या लॉन्ग कुर्तीज, ए लाइन कुर्तीज, अनलिमिटेड कुर्तीज का ऑप्शन होता है। आप कुर्तीज पहनिए, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है, और एंकल लेंथ के साथ अगर आप पहनेंगे बहुत अच्छी लगेगी। आप पजामी को अब छोड़ दीजिए, पजामी अब इतनी ज्यादा या फिर लेगिंग्स इतनी ज्यादा फैशन में नहीं है। अब हमारी जो आ गई है वो शरारा और स्कर्ट्स आ गई है। कॉटन के शरारा बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो आप आराम से 300, 350, 250 नॉर्मल रेंज में हमारे लोकल मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो आप वहां से ये ले सकते हैं। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं ये शरारा और एंकल लेंथ पैंट, तो इन पे इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप साड़ी पहनते हैं तो साड़ी की जगह आप सूट पहनिए, और अगर आप डेली वेयर में अगर आप सूट पहनते हैं तो फॉर अ चेंज, चेंज बहुत जरूरी होता है लाइफ में, अदरवाइज लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है, देखने वाले की भी हो जाती है और पहनने वाले की भी हो जाती है। तो आप साड़ीज की तरफ स्विच कीजिए, प्रिंटेड साड़ीज, फ्लावर प्रिंटेड होती हैं या फिर कोई और एब्स्ट्रैक्ट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटेड, कलमकारी, इक्कत प्रिंट, जो भी आपको पसंद आए वो वाली साड़ीज पहनिए। बहुत लाइट वेट की साड़ीज बहुत ज्यादा अवेलेबल है आजकल मार्केट में, तो आप वो भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो कुछ चेंज करती रहिए, या तो आप साड़ी पहनते तो सूट पहनना स्टार्ट कीजिए, अगर आप सूट पहनते हैं डेली बेसिस पे तो साड़ीज ट्राई कर सकते हैं आप, काफी अच्छा ऑप्शन होता है। और अगर आप पहले पहले शुरू शुरू में बताए क्या साड़ी पहनने में थोड़ा सा होता है, हेजिटेशन होती है कि हम कैसे लगेंगे क्या है, बट बिलीव मी, एक लेडी, एक इंडियन लेडी सबसे ज्यादा खूबसूरत साड़ी में ही लगती है और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है, एक चेंज हो जाता है। आप देखिए आज अगर आप सूट पहनती ना, तो आज आप सिर्फ अपनी इस फ्रेंड के कहना मानकर आज साड़ी पहनिए, और हल्की सी प्रिंटेड सी साड़ी कंट्रास्ट ब्लाउज के साथ पहनिए, और फिर अपने हस्बैंड का शाम को रिएक्शन देखिएगा, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, वो यही बोलेंगे कि आज तुम कुछ डिफरेंट लग रही हो, अच्छी लग रही हो। तो ये भी एक तरीका होता है हस्बैंड को रिझाने का, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपना रेगुलर को थोड़ा सा चेंज करके नया कुछ पहनने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स हम लोगों पता क्या, हम अपनी हर चीज का ख्याल रख लेते हैं, हम कपड़े कपड़ों से अपना अपने आप को प्रेजेंटेबल बना लेते हैं, बट हमारी पूरी बॉडी क्या उतनी हेल्दी है, उतनी हेल्दी हम रख पा रहे हैं शादी के बाद या नहीं, बच्चे होने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ 2 मिनट मिलते हैं हमें नहाने के लिए, मेरा छोटा बेटा है वो बाहर खड़ा होकर नॉक ही करता रहता है जब मैं नहाने जाती हूँ, मम्मा गोदी, मम्मा आ जाओ, मम्मा गोदी ले लो, मम्मा आ जाओ। तो मतलब क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, मैं उसको अंदर इसलिए नहीं लेके जाती, बाथरूम में भी लेके जाना पड़ता है। फ्रेंड्स हाँ, हम मदर्स हैं, अगर आप मदर हैं तो आप इससे रिलेट कर सकती हैं, जब भी आप नहाने जाएंगी आपका बच्चा अगर बाहर अकेला हो, वो तो आजकल मेरा बड़ा वाला बेटा घर पे होता है तो मैं उसको छोड़ जाती हूँ बाहर, अदरवाइज वो बाहर से लॉक कर दे छोटा वाला, और फिर वो लॉक उसको करना आता है बट उसको खोलना नहीं आता है। तो ऐसी भी सिचुएशन होती है कि हमें उसको अपने साथ ही रखना पड़ता है, अंदर भी बाथरूम में भी। तो कहने का ये मतलब है कि सिर्फ हमें 5 मिनट 10 मिनट मिलते हैं नहाने के लिए, अपने आप को ग्रूम करने के लिए, बट फ्रेंड्स अगर आप प्रेजेंटेबल दिखना चाहते हैं तो आप अपने आप को थोड़ा सा क्लीन रखिए। क्लीनलीनेस में आपकी बॉडी के साथ साथ आपके हेयर का बहुत ज्यादा, क्लीनलीनेस में फ्रेंड्स आप अपने हेयर का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। आप अगर कलर करते हैं, आपके ग्रे हेयर हैं आजकल तो बच्चों बच्चों के हो जाते हैं छोटी छोटी उम्र में, तो ऐसा कोई वो बड़ा इश्यू नहीं होता उसका, आप कलर करके रखिए। अगर आपके पास कलर करने का टाइम नहीं मिलता है आपको कभी, तो आप शैम्पू कलर यूज कर सकते हैं, आजकल बहुत सारे आते हैं, स्ट्रीक्स में भी आता है, गोदरेज में आता है शैम्पू कलर, तो शैम्पू कलर आप यूज कीजिए, काफी अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं ये। और अगर आप कलर करना चाहते हैं तो आप पार्लर जाके भी करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुटेबल होता है वैसे आप कलर कर सकते हैं। और कलर करने से पता क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी में जो वो एक्स्ट्रा, चाहे आप 30 के हैं, 35 के हैं, 40 के हैं, आपके जो उम्र में जो 10 साल एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं आपके व्हाइट बालों की वजह से, तो वो कम हो जाएंगे और आप में और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा।
तो वैसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो ये बोलते हैं पॉजिटिव बॉडी पॉजिटिविटी, आप काले हैं तो उसमें कुछ मत कीजिए, आप ग्रे हैं तो उसमें कुछ मत, अपने आप को प्रेजेंटेबल लगाने का हर किसी का हक होता है फ्रेंड्स। मैं ये नहीं बोलती कि मतलब बॉडी शेमिंग नहीं है ये, बट हम अपने आप को अच्छा दिखा रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इसको, इस पॉइंट को एनीवेज ना लीजिए। अच्छा, अच्छी तरह से अपने बालों को वॉश कीजिए, अच्छी से फ्रेग्रेंस आए उनमें, तो पता क्या होता है, खिला खिला सा एक खुशनुमा माहौल हो जाता है। और बालों में से अगर स्मेल आती है गंदी, अगर काफी टाइम तक धुले नहीं होते तो 2-4 दिन में ही आजकल तो स्मेल आ जाती है, तो वो नहीं होने चाहिए। आपके बाल अच्छे से नीटली वॉश्ड और अच्छी तरह से ब्लैक होने चाहिए, ब्लैक या जो भी कलर आपको पसंद है कलर कर लीजिए। इसमें क्या होता है, इसमें ये तो है नहीं कि भी कोई नहीं करता है, बिल्कुल आप नए ही करेंगे। कलर करके रखिए अपने बालों को, अपने बालों को साफ सुथरा संवार के रखिए, बहुत अच्छा लगता है और देखने वाले का भी मन एकदम खुश होता है। तो आप हाउसवाइफ हैं तो थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए हमें। कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हेयर वॉश तो हर किसी की बेसिक नेसेसिटी है, हर किसी को साफ रखना ही चाहिए अपने हेयर, चाहे उनके लंबे बाल हैं चाहे उनके छोटे बाल हैं। बट अगर आपके लंबे बाल हैं, अब हम हेयर स्टाइल्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप घर में रहते हैं तो कैसी हेयर स्टाइल बनाइए। अगर आपके लंबे बाल हैं, बहुत लंबे हैं, बहुत ज्यादा लंबे हैं, या फिर अगर आप चोटी बनाती हैं रेगुलर वे में चोटी बनाती है, तो फ्रेंड्स चोटी थोड़ा सा ना डिच कीजिए, ये बहुत ज्यादा आपकी उम्र में और ज्यादा 10 साल ऐड कर देती है। चोटी गाय की तरह, गाय की पूंछ की तरह वो हिलती रहती है और इधर उधर, आजकल कोई भी चोटी बनाने का आपके पास टाइम नहीं होता, तो आजकल तो लोग ऐसे खुले भी छोड़ते हैं बालों को। तो मैं ये नहीं बोल रही कि घर में आप अपने बालों को खुले छोड़िए। जैसे कि अगर आप लो पोनी टेल बनाते हैं तो लो पोनी टेल ना बनाकर हाई पोनी टेल बना सकते हैं। इससे क्या होता है, आपकी उम्र कम लगने लग जाती है, और मतलब ऑटोमेटिकली कुछ ना करे बिना भी आपकी उम्र कम लगने लग जाएगी। और जो नीचे पोनीटेल होती है, जो सारे बाल लेके ऐसे नीचे बना लेते हैं, तो वैसे नहीं बनानी चाहिए, इससे आप अब ज्यादा एजिड लगते हैं। जैसे कि अब मैंने बनाई है, थोड़ी सी हाई पोनीटेल बनाई है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आप इतनी ऊपर में कंफर्टेबल नहीं है तो यहाँ बना सकते हैं बिल्कुल सेंटर में, तो इससे क्या होगा, आपकी उम्र जो है वो ऑटोमेटिकली कम लगेगी। और पोनी टेल आजकल वैसे भी बहुत ज्यादा फैशन में है, बहुत आराम से 1 मिनट में बाल सारे इकट्ठे किए और बना ली पोनी टेल, तो इसमें टाइम भी ज्यादा नहीं लगता है। अगर आप जूड़ा बनाते हैं, गर्मी आपको बहुत लगती है, तो लोअर जूड़ा लो बन ना बनाइए, स्पेशल ओकेजन्स के लिए उसको संभाल के रखिए। अगर आप बन बनाते हैं तो हाई बन बनाइए, डोनट बन हो गया या फिर हाई बन हो गया, डोनट बन भी बहुत ईजी होता है बनाना, वो बना लीजिए, या हाई बन बनाइए, बहुत सिंपल है। यहाँ पर जो जूड़े होते हैं वो भी ऑब्वियसली मतलब ऑटोमेटिकली आपकी पूरी एज को बहुत कम दिखाएंगे वो, और आप बहुत ज्यादा अच्छे और डिफरेंट भी लगोगे, बहुत ज्यादा स्मार्ट लगोगे। तो कुछ ये एक दो हेयर स्टाइल ऐसे हैं, बेसिक हैं, जिनमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है और आप एकदम से ऑटोमेटिकली कम एज के लगने लगते हो, तो ये जरूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। ये हैक बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूर ट्राई कीजिए, आपका हेयर स्टाइल बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी एज को बड़ा या छोटा दिखाने में, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपका नाइसली हेयर कट है, कोई बढ़िया सा हेयर कट है, तो और आप उसको तो आप अपने बाल खुले भी रख सकते हैं। बट कई बार क्या होता है, हम खाना बनाते हैं या बच्चों की केयर करने में या किसी कुछ करने में हम सारा दिन खुले बालों में कंफर्टेबल नहीं होते, तो आप पोनी बनाइए, थोड़ी सी हाई पोनी बनाएंगे तो इससे कम आपकी एज लगेगी और आप ज्यादा मेच्योर नहीं लगेंगे, थोड़े कम एज के लगेंगे, स्मार्ट लगेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपने आप को, हमने सुबह एक बार नहा लिया होता है, एक बार बाल बना लिए, फिर हम अपने आप को, शायद हमारे पास टाइम भी नहीं होता कि हम अपने आप को एक बार शीशे में निहार तो लें। तो फ्रेंड्स ठीक है, टाइम नहीं मिलता है, बट जब हम जैसे ही भी रेडी होने के लिए जाते हैं 5 मिनट निकाल कर बाल बनाने के लिए, क्रीम वगैरह लगाने के लिए, तो हम उसी टाइम पे अगर हम परफ्यूम वगैरह यूज कर लेते हैं या हल्की हल्की इत्र की शीशी होती है, इत्र लगा सकते हैं। अगर कोई बॉडी ऑडर अपना दूर करने के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो अच्छी सी फ्रेग्रेंस आपके आसपास रहती है, आप जहां से भी गुजरेंगे लोगों को भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी, आपके हस्बैंड है, आपके सास ससुर है या फिर आपके बच्चे हैं, खुशी का सा एक मतलब पता है क्या, स्मेल का भी एक बहुत अच्छा रोल, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी मेंटल टेंशन को कम करने में और घर के माहौल को खुशनुमा बनाने में। तो आप ये जरूर याद रखिए और हमेशा मतलब खुशबूदार रहिए, खुशबू से एकदम से मतलब हमारा मेंटल है ना जो होता है, मतलब मेंटल स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है अगर हम स्मेल गुड करते हैं। तो
तो फ्लावर्स वाले सेंट्स होते हैं आजकल, आजकल बहुत, मतलब जरूरी नहीं बहुत स्ट्रांग स्मेल लग आई जाए, प्लीजेंट सी, बहुत हल्की हल्की सी स्मेल वाली आप खुशबू लगा सकते हैं, बहुत अच्छे लग सकते हैं इसमें। और डेली में ये बहुत अच्छी रहती हैं। ईवा की आती हैं, ईवा की वो छोटी 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 बॉटल्स होती हैं, वो इतनी इतनी बॉटल्स होती हैं जो छोटे से पॉकेट फ्रेंडली होती हैं, जो आपने एड भी देखी होगी, तो वो आप 5-7 ले सकते हैं। तो अलग अलग करके आप यूज कर सकते हैं डेली, और वो मतलब एक बॉटल मेरी तो 2 महीने चलती थी, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, 2-2 महीने तक आपकी खत्म नहीं होगी एक बॉटल। और बहुत ज्यादा वो स्किन फ्रेंडली भी होती है, पॉकेट फ्रेंडली भी होती है, तो वो आप भीनी भीनी सी फ्रेग्रेंस यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी रहती है वो। पार्लर जाने का सारा दिन टाइम नहीं होता है, हम 2 महीने में 1.5 महीने में पार्लर जाते हैं, तो हमेशा अपनी आईब्रो बनी हुई होनी चाहिए आपकी, ऐसे नहीं बिल्कुल क्रूर सिंह की तरह है, आपकी आईब्रो ओवरग्रोन हो रही है। अगर आपकी आईब्रो की बहुत ज्यादा ग्रोथ है तो उसको इतना ज्यादा ग्रो मत होने दें, उसको पहले ही कटवा ले और पहले ही आईब्रो ट्रिम करवा ले अपनी। अपर लिप्स हो गया, चिन हो गया, फोरहेड हो गया, मेरा तो फोरहेड भगवान की देन है कि इतना ज्यादा चौड़ा है मेरा माथा, तो मुझे फॉरहेड करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट कई लोगों का थोड़ा छोटा माथा होता है, काफी ज्यादा बाल होते हैं उनके माथे पे भी, तो वो क्लीन करवाते रहते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा एक अलग ही ग्लो आता है। तो वो ग्लो हम जब हर टाइम ले सकते हैं, हमेशा ले सकते हैं पार्लर का। अगर आपके फेशियल हेयर बहुत ज्यादा है तो आप 15 या 20 दिनों में पार्लर आपको जाना मस्ट होता है। अगर आपके फेशियल हेयर इतना नहीं है तो 1 महीने में एक बार आप जरूर विजिट कीजिए, अदरवाइज बहुत ज्यादा मैसी सा चेहरा हो जाता है, बहुत बुरा लगता है, आप कुछ भी कर लीजिए फिर भी सही नहीं लगता। तो आप जरूर पार्लर तो जरूर एक रूटीन बनाइए कि आप अपनी आईब्रोज, अपर लिप्स, फेशियल वगैरह करवा के आए और स्मार्ट दिखे। हमारी जो क्लीनलीनेस में ही बात कर रहे हैं हम, तो क्लीनलीनेस में फ्रेंड्स हमारे नेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम किसी के लिए पानी लेके जा रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी बहुत अच्छी है, हमने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बाल भी अच्छे से बनाए हुए हैं हमने, सब कुछ अच्छा अच्छा किया हुआ है, बट हमारे नेल्स पे उखड़ी फुखड़ी सी नेल पॉलिश है, हमारे नेल्स एक बड़ा है, एक छोटा है, एक ऐसा है, एक टेढ़ा है, एक मेढ़ा है, और बहुत ज्यादा मैसी से नेल्स हैं, तो हमारी पूरी पर्सनैलिटी पे पानी फिर जाता है, हमारे सारे किए कराए पे एकदम से पानी फिर जाएगा। तो आप अपने नेल्स को हमेशा साफ सुथरा रखिए, क्योंकि ये नेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। तो आप इसको, अगर आप नेल पॉलिश लगाने के शौकीन हैं तो नेल पॉलिश लगा के रखिए, अगर वो उखड़ रही है कहीं से भी तो रिमूवर से, रात को सोते टाइम आप 1 मिनट लगेगा, जल्दी जल्दी से रिमूव करके सोइए, क्योंकि नेल पॉलिश जब उखड़ी उखड़ी होती है तो वो हमारे हाथों को बहुत गंदा दिखाती है। या तो आप लगाइए ही मत, अगर आपके पास रिमूव करने का टाइम नहीं होता है तो आप लगाइए ही मत, ये बेस्ट रहता है, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं होता है तो मैं भी लगाती ही नहीं हूँ और यूं ही हाथ रखती हूँ। तो क्या होता है, इससे हाथ बिल्कुल क्लीन क्लीन रहते हैं और हमें टेंशन नहीं होती है कि हमें उसको हटाना या कुछ करना है। तो आप अपने हाथों को क्लीन रखिए, साफ सुथरा रखिए, साफ सुथरा हम ऐसे ही रख सकते हैं कि हम उसको नेल पॉलिश रिमूवर से उसको क्लीन कर ले बिल्कुल सारे नेल्स को। अगर आपके नेल्स, एक फॉयलर अपने पास जरूर रखिए, उससे नेल्स को हमेशा शेप देके रखिए। अगर आपको बड़े नेल्स पसंद है तो टेढ़े मेढ़े ना हो, वो शेप देके रखिए उनको, थोड़ा टाइम लिए निकालिए ताकि अच्छे दिखे वो नेल्स भी और हाथ हमारे बहुत ज्यादा सुंदर दिखे। बहुत ज्यादा ज्वेलरी पहनने का शौक होता है, बहुत हैवी हैवी से कानों में पहन लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी झुमकीज या फिर वो कुछ इस तरह का पहनते हैं, बहुत सारी एक्सेसरीज वगैरह पहन लेते हैं, हाथों में चूड़ियां बहुत सारी। तो हमेशा हमें जो चाहिए, मैं आपको बताती हूँ, कानों में हमेशा कुछ इस तरह के छोटे छोटे से इयररिंग्स, ये पर्ल है, ये ऐसा नहीं होता कि गोल्डन ज्वेलरी ही आपको पहनी है, ये मेरा पर्ल बिल्कुल रियल पर्ल है, ये मेरी मम्मा ने गिफ्ट दिया था मुझे, तो ये रियल पर्ल है। आप कुछ इस तरह की पर्ल ज्वेलरी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर्ल पहनिए, या टॉप्स में, आप गोल्डन में अगर आप पहनना चाहते हैं गोल्ड में तो आप टॉप्स पहनिए, अगर आप डायमंड पहनते हैं डायमंड के टॉप्स पहनिए, टॉप्स बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। और जो वो सर्कल वाले गोल गोल इयररिंग्स होते हैं ना, जो इतने बड़े बड़े बाली टाइप के होते हैं, वो मत पहनिए, वो आपकी एज और भी ज्यादा बड़ी दिखाएंगे। तो टॉप्स में ही आप डेली वेयर में टॉप्स ही पहनिए, उसी से आप अच्छे लगेंगे। और अगर आपके पास बहुत हैवी हैवी से इयररिंग्स है, उनको आप शादी पार्टी या फिर फेस्टिवल्स के लिए संभाल के रखिए,
तभी अच्छे लगते हैं वो, क्योंकि बहुत ज्यादा गॉडी टाइप के लगते हैं वो, अदरवाइज डेली में आप इस तरह का कुछ पहन सकते हैं। गले में कुछ पहनने के शौकीन है तो चेन भी पहन लेते हैं कई लोग पेंडेंट सेट भी पहन लेते हैं, मंगलसूत्र भी पहन लेते हैं, तो इतना कुछ पहनने की जरूरत नहीं होती फ्रेंड्स। बिल्कुल हल्की सी पतली सी चेन पहनिए या मंगलसूत्र पहनिए छोटे वाला, काफी बड़े बड़े इतने तोले का मंगलसूत्र है मेरा तो, इतना ये है, इतने ग्राम का, इतने तोले का है, 4 तोले का है 6 तोले का 10 तोले का फलाना ये वो, तो ये सब चीजें ना आप साइड में रख दीजिए, क्योंकि ये आपको सिर्फ ओवर एज दिखाने के अलावा कुछ नहीं करेंगे, कोई भी मतलब कोई और इनका हम काम नहीं होता है। आप बिल्कुल डेंटी से पतले पतले छोटे छोटे मंगलसूत्र पे इन्वेस्ट कर सकती हैं, छोटे पहनिए। अगर आप गोल्ड का नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो आप नकली पहन सकते हैं, आजकल अमेरिकन डायमंड के आते हैं या फिर फॉल्स मंगलसूत्र भी आते हैं वो भी पहन सकते हैं। छोटे छोटे स्मॉल जिसमें बीड्स होते हैं वो पहनिए, ज्यादा हैवी हैवी पेंडेंट वाले मत पहनिए क्योंकि वो आपको एजेड दिखाएंगे। तो मंगलसूत्र या फिर चेन पहनिए तो पतली पहनिए, और स्टाइलिश जो पतली वाली होती है बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, आजकल बहुत ज्यादा फैशन में भी है, तो वो वाली पहनिए आप, वो ज्यादा अच्छी लगेगी। क्या होता है बहुत सारी हाथों में चूड़ियां वूड़ियां पहनना उनको पड़ता है, चूड़ियां पहनना अगर आपको अच्छा लगता है तो बहुत सारी चूड़ियां चूड़ियों की जगह आप थोड़ी सी चूड़ियां या फिर कुछ इस तरह के मोटे कड़े, ये चौड़े चौड़े से कड़े बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं साड़ी के साथ के, अगर आप पहनो तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। तो कुछ इस तरह के कड़े या फिर आप पतले पतले से कड़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 2 कड़े पहनिए दोनों हाथों में, 2-2 या फिर 1-1 भी पहन सकते हैं। तो ये क्या होते हैं सोफेस्टिकेटेड दिखाते हैं आपको, एलिगेंट दिखाते हैं, और बहुत सारी चूड़ियां जो पहनते हैं ना अब वो बिल्कुल फैशन में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ा सा स्टाइलिश दिखने के लिए, प्रेजेंटेबल दिखने के लिए हाउसवाइफ्स को थोड़ा सा अपने आप को इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो वो मिस्टेक्स कर रही थी अपनी पर्सनैलिटी में उसको थोड़ा दूर करना होगा। तो मैंने यहाँ पर हर एक उसके बारे में बात कर रही हूँ मैं पॉइंट्स के बारे में। तो चूड़ियों को हम कैसे भूल सकते हैं, चूड़ियां पहनना बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। तो अगर आप चूड़ियां पहनने के शौकीन भी हैं और आपको जरूरी भी होता है आपके यहाँ पर पहनना, तो आप इस तरह के मोटे कड़े पहन सकते हैं या फिर 2 कड़े होते हैं छोटे छोटे वो पहन, पतले पतले जो कड़े होते हैं वो पहन सकते हैं, 2 कड़े 1 हाथ में 2 या फिर 1 हाथ में 1-1 ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप पहन सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा स्मार्ट दिखाई देता है। बहुत बड़ी बिंदी लगा लेते हैं, बहुत मोटी साड़ी, बड़ी साड़ी बिंदी इतनी इतनी, ऐसा मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए, ये बिल्कुल आज ही छोड़ दीजिए ऐसा कुछ करना। छोटी छोटी नग वाली बिंदी लगाइए या फिर शिल्पा की आती है जो छोटी सी बिंदी वो आप लगा सकते हैं। कलरफुल बिंदीज भी आती हैं, तो कलरफुल बिंदी आप अपनी साड़ी या सूट के साथ का पहन लगा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है बिंदीज, छोटी छोटी बिंदीज बहुत ज्यादा सुंदर लगती हैं और आपकी उम्र में से कुछ साल चुरा भी लेती हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप घर में सिंपल से ये फ्लिप फ्लॉप पहन के घूमते हैं तो वो मत पहनिए, आजकल बहुत ज्यादा स्टाइलिश सी चप्पल्स आ गई हैं तो वो आप घर में पहन के घूम सकते हैं, स्लाइडर्स पहन सकते हैं, बहुत ज्यादा सुंदर लगती हैं तो उनमें इन्वेस्ट कीजिए, बहुत अच्छी कंफर्टेबल रहती हैं वो पूरा दिन घर में पहनने में। तो आप आउटडेटेड सी वो चप्पलों को छोड़कर और कुछ बढ़िया सा पहन सकते हैं, तो हमेशा अपने फुटवेयर पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो बहुत अच्छे लगे और कंफर्टेबल हो पूरा दिन पहनने में। तो कुछ इस तरह के फुटवेयर आप खरीदिए। हमने इस वीडियो में बात की है कपड़ों की, चूड़ी बिंदी मंगलसूत्र कान के गले का सब कुछ, हर किसी की चीज के बारे में बात की है हमने। तो हम सिंदूर को कैसे भूल सकते हैं, एक हाउसवाइफ की पहचान होती है सिंदूर। तो कुछ हाउसवाइफ्स जो होती हैं वो मतलब पूरी ऊपर से लेके यहाँ तक भर लेती है मांग को, बहुत ज्यादा सिंदूर लगाती हैं। तो इतना ज्यादा सिंदूर लगाने का ये मतलब नहीं है कि जितना ज्यादा सिंदूर लगाओ उतना आप प्यार करते हो अपने हस्बैंड को, ऐसा नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन हो गया है, अब आजकल कोई भी इतना ज्यादा नहीं यूज करता। हल्की सी आजकल आप सिंदूर की स्टिक लेके आ सकते हैं, सिंदूर स्टिक होती है वो लिक्विड लिपस्टिक की तरह होती है, उसको भी आप इस तरह से हल्का सा एक यहाँ पर टच कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा आपने सिंदूर भी लगाया है और आप आउट ऑफ फैशन भी नहीं लग रहे हैं, आप अपडेटेड लग रहे हैं उसके बाद भी। तो आप सिंदूर हमेशा लिक्विड वाला ही लगाइए, जो आप पाउडर वाला सिंदूर लगाते हैं या फिर आप लिपस्टिक वाला वो सिंदूर लगाते हैं तो उससे क्या होता है बहुत मोटा सा इफेक्ट आता है, काफी ज्यादा चौड़ा दिखाई देता है, जो कि
अच्छा नहीं लगता है और आउट ऑफ फैशन दिखाता है आपको। तो बिल्कुल एकदम स्टाइलिश लगने के लिए सिंदूर थोड़ा सा डेंटी सा छोटा सा पहन लगाइए, बहुत अच्छा लगता है वो। और अगर आप कहीं पर जा रहे हैं जैसे पार्टीज वगैरह में जा रहे हैं या वेडिंग में जा रहे हैं तो आप उसके ऊपर एक हल्की सी बिंदी लगा सकते हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और एक ये आजकल फैशन में भी है। फ्रेंड्स ये थे कुछ पॉइंट्स, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप मुझसे वादा ले सकते हैं, आप मुझसे लिखवा सकते हैं कि आप कहीं भी कभी भी ऐसा नहीं फील करेंगे कि आप पिछड़ गए हैं, जमाना आगे निकल गया है, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जॉब करते हैं बहुत अच्छी, बट उसके बाद भी आपकी आप अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस ना करें और थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम कीजिए। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो भी आप प्रेजेंटेबल लग सकते हैं, सारा दिन घर में रहते हैं तो भी आप प्रेजेंटेबल लग सकते हैं इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके लिए लेके आऊंगी कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव। तभी के लिए बाय बाय और टेक केयर, बाय बाय।